अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ एनवेलप पिज़्ज़ा। तो एनवेलप पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 3 कप हमें मैदा चाहिए, सूजी हमें चाहिए 1/4 कप, नीम गर्म पानी हमें चाहिए 1 कप, ऑयल हमें चाहिए 3 टेबल स्पून, नमक हमें चाहिए 1 टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट हमें चाहिए 1.5 टीस्पून, बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून, चीनी हमें चाहिए 1.5 टीस्पून। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम 3 कप मैदा ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसी क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप इसी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। सूजी, नमक, ईस्ट, बेकिंग पाउडर और चीनी भी ऐड कर देंगे। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें नीम गर्म पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। पानी आप अपने मैदे के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपके मैदे में कितना पानी जाएगा। अब मैं इसको वर्क सरफेस पे निकालूंगी। अब मैं इसे 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह आगे की तरफ और पीछे की तरफ अच्छी तरह मसल लूँगी। 1 से 1.5 मिनट के बाद डो हमारी सेट हो चुकी है। अब मैं उसी बाउल में 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालूंगी और इसे अच्छी तरह ग्रीस करूंगी, और डो को मैं बाउल में रख दूंगी। और इसकी मैं दूसरी साइड भी चेंज कर दूंगी ताकि दोनों साइडों पे ऑयल अच्छी तरह लग जाए। और अब मैं इसको एक क्लिंग से कवर करके 40 मिनट के लिए राइज होने के लिए छोड़ दूँगी। एनवेलप पिज़्ज़ा की स्टफिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। ग्रीन वाली चॉप्ड की हुई शिमला मिर्च हमें चाहिए 1/4 कप, येलो वाली चॉप्ड की हुई शिमला मिर्च हमें चाहिए 1 कप, बारीक कटे हुए हमें मशरूम्स चाहिए 1/2 कप, 2 अदद हमें हरी मिर्चें चाहिए बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून जितना हमें प्याज चाहिए बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टीस्पून, सोया सॉस हमें चाहिए 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून, नमक हमें चाहिए 1 टीस्पून, चिली गार्लिक जिंजर सॉस हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, ओरिगानो हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, सफ़ेद सिरका हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, बारबेक्यू सॉस हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। इधर मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था नमक और काली मिर्च के साथ, हल्का सा मैंने पानी डाला था, और जब पानी ड्राई हो गया था तो मैंने इसके छोटे छोटे रेशे काट लिए थे। गार्लिक पाउडर हमें चाहिए 1/4 टीस्पून, ऑयल हमें चाहिए 4 टेबलस्पून। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे, उसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसको हल्का फ्राई करेंगे, हमें इसको ओवर कुक नहीं करना। अब ये इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है, हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डाल के भी हम इसको कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, बिल्कुल हमने हल्का सा इसको फ्राई करना है। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखना है, कुछ सेकंड हम इसको फ्राई करने के बाद इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, और इन्हें भी मैं हल्का सा फ्राई करूंगी।
हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें चॉप्ड की हुई ग्रीन शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए मशरूम्स, सब्ज़ी आप अपनी पसंद की कोई भी डाल सकते हैं, आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, आप आलू की भी स्टफिंग कर सकते हैं, आप टूना की भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है, चिकन टिक्का की भी आप कर सकते हैं। और साथ ही मैं मसाले डालूंगी, ओरिगानो, लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद सिरका, काली मिर्च पाउडर, नमक, कुटी लाल मिर्च, बारबेक्यू सॉस, चिली गार्लिक जिंजर सॉस, सोया सॉस, इनको डाल के मैं हल्का सा मिक्स करूंगी। हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें बॉयल किया हुआ चिकन डाल दूंगी और इसे भी मैं मिक्स कर लूंगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। अब मैं इसमें गार्लिक पाउडर डालूंगी। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, लेकिन मैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून जितना डालूंगी, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसे मिक्स करूंगी और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। स्टेप 3 में हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। अंडे की जर्दी एक चाहिए, रूम टेम्परेचर पे हमें बटर चाहिए हसबे ज़रूरत, मोजरेला चीज़ हमें चाहिए 1/2 कप, ऑयल हमें चाहिए हसबे ज़रूरत। एक मैंने बेकिंग ट्रे ली है, उसको मैंने बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस कर लिया। ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये सारी चीज़ें हम एनवेलप पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। डो हमारी राइज हो चुकी है, अभी हम क्लिंग को हटाएंगे, 5 डाउन करेंगे ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है वो रिलीज़ हो जाए। डो को 5 डाउन करने के बाद हम इसके एक साइज़ के पेड़े कर लेंगे। आप जितने साइज़ के पेड़े करना चाहते हैं, आप छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे पेड़े भी काट सकते हैं। पेड़े हमारे सारे रेडी हो चुके हैं, अब इसको मैं क्लिंग से कवर करूंगी ताकि ये ड्राई ना हो। एक पेड़ा लूंगी, वर्क सरफेस पे मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, 1 टीस्पून जितना ऑयल डालूंगी और इसे मैं हाथ की मदद से आगे की तरफ इस तरह फैलाती जाऊंगी। ये बहुत आराम से रोटी की शक्ल में आ जाएगा। आपने इसको बहुत बारीक इस तरह फैलाते जाना है। इसी तरह हम इसको हाथ की मदद से फैलाते जाएंगे। अच्छी तरह से हम इसको फैला लेंगे। अगर ये कहीं से आपको लगे कि फट रही है तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये जब हम इसको चकोर शक्ल देंगे उस वक़्त तो ये उसमें कवर हो जाएगा। बिल्कुल बारीक करने के बाद हम इस पे रूम टेम्परेचर पे जो हमने बटर रखा हुआ था वो हम इस पे लगाएंगे। अच्छी तरह से हम पूरी रोटी पे फैला लेंगे। अब हम इसको इस साइड को उठाएंगे, इधर रखेंगे और इस साइड को उठा के हम इधर रखेंगे। ये देखें, ये अगर जगह जगह से फटी हुई है तो इसको हम इस तरह इसमें सारा कवर कर लेंगे। इसको इधर रखेंगे और इसको इधर रखेंगे और ये इसमें कवर हो जाएगा। और ये देखें, ये चकोर शक्ल में आ चुका है और इसी तरह हम बाकी के भी चकोर शक्ल में तैयार कर लेंगे। अब सब हमने तैयार करके चकोर शक्ल में रख लिए हैं। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, ये मैं अपनी स्टफिंग में डाल दूंगी। और इसे अच्छी से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप उसको बेशक स्किप कर दें। आप मोज़रेला चीज़ के बग़ैर भी बनाएंगे तो आपके एनवेलप पिज़्ज़ा बहुत अच्छे बनेंगे। स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी कर सकते हैं।
अब हम एक पेड़ा लेंगे और उसे हम हाथ की मदद से फैला लेंगे। उसी तरह हमने जिस तरह चकोर पेड़ा बना हुआ है, हमने उसी तरह उसको उतना ही रखना है और चकोर ही हमने उसको फैला लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा फैलाना है। और उसमें हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग रखने के बाद हम इसको एनवेलप की शक्ल में कवर करेंगे। देखें, दोनों किनारे एक इस साइड से और एक इस साइड से हम उठाएंगे और नीचे वाले को उठा के ऊपर वालों पर रखेंगे। और ये देखें, एनवेलप की शक्ल में आ चुका है। अब हम ऊपर वाला भी लेके इस तरह रखेंगे और एक हम ऑलिव लेंगे, ब्लैक ऑलिव, आप चाहें तो ग्रीन भी ले लें। और इस तरह हम इसको बीच में दबा देंगे। और ये देखें, हमारा एनवेलप पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको बेकिंग ट्रे में रखूँगी और सारे इसी तरह तैयार करके मैं इनको बेकिंग ट्रे में रखूँगी। अब हमने एनवेलप पिज़्ज़ा सारे रेडी कर लिए। अब मैं इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगाऊंगी और इसको मैं ओवन में रखूंगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट के लिए। आप अपने ओवन के हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। अब हम इन्हें ओवन में रखेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हमारे एनवेलप पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसे ओवन में से निकाल लेंगे। एनवेलप पिज़्ज़ा को हमने डिश आउट कर लिया। अब मैं आपको एक चेक करके दिखाती हूँ। ये बहुत अभी गर्म है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, ये देखें। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, आप एज अ स्नैक्स भी ये बना सकते हैं, बच्चों को दें, बड़ों को दें, ये सबको बहुत पसंद आएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फी अमान अल्लाह।